असलम स्टूडेंट आई एम तनवीर सैन एंड यू आर वाचिंग डैश कैंपस यूट्यूब चैनल फर्स्ट ईयर की बुक कंप्यूटर साइंस और चैप्टर है बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चैप्टर नंबर वन है और आज का टॉपिक है वाट आर पॉइंटिंग डिवाइस के पॉइंटिंग डिवाइस क्या होती हैं नेम ऑफ डिफरेंट पॉइंटिंग डिवाइस पॉइंटिंग डिवाइस के मुख्त जो है वो मुख्तलिफ़ पॉइंटिंग डिवाइस के नाम लिखें स्टूडेंट पॉइंटिंग डिवाइस क्या होती हैं एन इनपुट डिवाइस यूज टू कंट्रोल अ पॉइंटर ऑन स्क्रीन इज कार्ड पॉइंटिंग डिवाइस कि एक ऐसी इनपुट डिवाइस जिसका काम होता है कि उसने स्क्रीन के ऊपर जो पॉइंटर हमें नजर आता है उसको कंट्रोल करना होता है पॉइंटिंग डिवाइस क्या करती है बेसिकली स्क्रीन के ऊपर जो हमारा पॉइंटर होता है जो हमारा कर्सल होता है ये उसको कंट्रोल करती हैं अपर इज अल स्मॉल सिम्बल डेट अपीयर ऑन स्क्रीन इन अग्राफिकल यूजर इंटरफेस पॉइंटर क्या होता है खेल है कि एक तरह का जो है ये छोटा सा सिम्बल होता है एक अलामत होती है जो एरो की तरह की होती है जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर अपीयर हो जाती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब होता है कि हमें हर चीज़ जो है ये मैन्यूज और आइकन की सूरत में नजर आती है कुछ जो पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं माउस माउस पैड है पॉइंटिंग स्टिक है टच स्क्रीन लाइट पेन ग्राफिक टैबलेट जॉयस्टिक पेन बेस सिस्टम ये कुछ पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं इनके बारे में स्टेप बाई स्टेप देखते हैं पहले आ जाता है माउस अ कंप्यूटर माउस इज हैंडल्ड हार्डवेयर इनपुट डिवाइस डेट कंट्रोल अ करसल इन अ जी यू आई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कह रहे कि कंप्यूटर माउस क्या होता है एक हार्डवेयर होता है यानी कि एक ऐसा हार्डवेयर होता है जिसको आप अपने हाथों में पकड़ लेते हैं और ये एज अ इनपुट डिवाइस होता है माउस क्या होता है एज अ इनपुट डिवाइस होता है और इसका काम क्या होता है कर्सल को कर्सर को कंट्रोल करना फॉर पॉइंटिंग मूविंग एंड सिलेक्टिंग टेक्स्ट आइकन फाइल्स एंड फोल्डर ऑन योर कंप्यूटर और इसका मकसद होता है कि किसी चीज को पॉइंट करना मूविंग करना या टेक्स्ट को सिलेक्ट करना आइकन को सिलेक्ट करना फाइल को सिलेक्ट करना फोल्डर को या किसी भी चीज़ को आपके कंप्यूटर के अंदर जो है उसको सिलेक्ट करना उसको पॉइंट करना जो है उसके लिए माउस इस्तेमाल होता है अ माउस एज यूजली टू और थ्री बटन एक माउस के अंदर आमतौर पर दो या तीन बटन होते हैं दीज बटंस आर यूज टू तो परफॉर्म डिफरेंट टास्क ये जो मुख्तलिफ तरह के बटन होते हैं ये मुख्तलि तरह के काम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं जैसे यहाँ पर स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये हमारे पास एक माउस है जिसमें हमारे पास एक सक्रोल व्हील होता है जिससे आप अपने टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं राइट माउस बटन होता है और लेफ्ट माउस बटन होता है और साइड बटन होता है ये साइड बटन कुछ माउस में होता है जितना आप जदीद लेटेस्ट माउस इस्तेमाल करेंगे उसमें ज्यादा आपको फंक्शन और फैसिलिटीज मिल जाएंगी लेकिन एक स्टैंडर्ड माउस के अंदर जो है ये तीन बटन तो लाजमी होते हैं लेफ्ट बटन होता है राइट बटन होता है और जो है दरम्यान में एक स्क्रॉल व्हील होता है उसके बाद ट्रैक बार ट्रैक बॉल इज़ अ कंप्यूटर कर्सल कंट्रोल डिवाइस ये भी कंप्यूटर कर्सल कंट्रोल डिवाइस है यानी कि ये भी कंप्यूटर के अंदर जो कर्सल होता है जो सिंपल होती है जो अपीयर होती है जिसे हम मुख्तलिफ आइकन को जो है मुख्तलिफ मेन्यूज को क्लिक करते हैं पॉइंट करते हैं उसी को कंट्रोल करने के लिए ट्रैक बॉल भी होता है यूज इन मैनी नोटबुक एंड लैपटॉप कंप्यूटर या आम नोटबुक में और लैपटॉप कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है द ट्रैक बल इज यूजली लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ ए की बोर्ड टू वर्ड दूसर आमतौर पर क्या होता है कि जब हम एक ट्रैक बाल लेते हैं तो ये की बोर्ड के सामने होता है ठीक है बॉडी ऑफ ए ट्रैक बाल इज नॉट मूव हम यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब हम माउस को यहाँ पर देखते हैं तो पॉइंटिंग को मूव करने के लिए हमें माउस को मूव करना पड़ता है लेकिन ट्रैक बॉल में जब अगर हम अपने जो है पॉइंटर को मूव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सारा जो है वो ए, ए, ट्रैक बॉल जो है वो मूव नहीं करना पड़ बटल के ऊपर जो लगी हुई बॉल है हम इसको रोटेट करते हैं और और जो है अपनी फिंगर से इसको रोटेट करते हैं और जो हमारा थंब होता है ये इसके लेफ्ट राइट बटन को क्लिक के लेफ्ट राइट बटन को क्लिक करने के लिए समान होता है तो यहाँ पर ये कुछ ट्रैक पाथ दिए हुए हैं ट्रैक द बॉल इज रोल्ड विद फिंगर कि हम अपनी फिंगर के साथ बाल को रोल करते हैं जैसे हम बाल को रोल करते हैं तो हमारी स्क्रीन के ऊपर जो हमारा पॉइंटर होता है वो मूव होता है दी एडवांटेज ऑफ ए ट्रैक बॉल इज डेट इट टेक्स लेस स्पेस माउस के लिए हमें ज्यादा स्पेस की जरूरत होती है लेकिन अगर हम ट्रैक बाल की बात करते हैं तो ट्रैक बाल के लिए हमें ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं होती उसके बाद आता है टच पैड अ टच पैड इज अ डिवाइस फॉर पॉइंटिंग यानी कि टच पैड भी जो है एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है यानी कि इसका मतलब क्या होता है कंट्रोलिंग इनपुट पोजिशनिंग इसने इनपुट पोजिशनिंग को कंट्रोल करना होता है यानी कि कहाँ पर इनपुट हो रही है किस जगह पर हम इनपुट कर रहे हैं ऑन अ कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन यानी कि जब कंप्यूटर की डिस्प्ले स्क्रीन होती है तो उसके लिए जो है ये एज अ पॉइंटिंग डिवाइस टच पैड इस्तेमाल होता है इट इज अ अल्टरनेटिव टू टू माउस द माउस ये माउस का अल्टरनेटिव होता है यानी कि जो एक डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं उनके साथ तो डेफिनेटली जो है वो अलग से हमें कीबोर्ड माउस अटैच करना पड़ते हैं लेकिन हमारे जो लैपटॉप वगैरह होते हैं ठीक है उनके अंदर जो है ये ऑलरेडी इन लगा होता है ओरिजिनली इनकॉर्पोरेटेड इन लैपटॉप कंप्यूटर यहाँ पर वो बता भी रहा है कि ये जो असल में था ये इसको लैपटॉप कंप्यूटर के लिए जो था डिज़ाइन किया गया था टच पैड आर ऑल्सो बींग मेड फॉर यूज विद डेस्कटॉप कंप्यूटर लेकिन हम इनको अलग से जो है टच पैड को परचेज करके अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर <coughs> में भी इनको इंस्टॉल कर सकते हैं इनको लगा सकते हैं और टच पैड बाय सेंसिंग द यूजर फिंगर इसका काम होता है कि जो फिंगर होती है ये इसको सेंस करता है और इसके साथ जो है ये इसको करसल को कंट्रोल करता है और इसको इसकी मूवमेंट एंड डाउनवर्ड प्रेशर तो इसकी मूवमेंट और इसका डाउनवर्ड अपवर्ड जो प्रेशर है उससे जो है ये कर्सल कंट्रोल होता है यहाँ पर ये लैपटॉप के अंदर दिखाया गया होता है ये इसका लेफ्ट बटन होता है और ये राइट right बटन होता है और ये वाला जो प्लेन सरफेस है यहाँ पर हम क्या करते हैं अपनी फिंगर को जैसे यहाँ पर आप तस्वीर में देख रहे हैं इसको मूव करते हैं तो हमारी फिंगर को मूव करने से हमारा जो स्क्रीन के ऊपर जो कर्सर होता है वो कंट्रोल होता है उसके बाद आता है टच स्क्रीन टच स्क्रीन इज दीडियो डिस्प्ले स्क्रीन डेट रिसीव इनपुट फ्रॉम दी टच ऑफ फिंगर्स कि टच स्क्रीन क्या है कि ये एक इनपुट डिवाइस होती है और इसका काम क्या होता है इसने इनपुट को रिसीव करना होता है कैसे फिंगर के टच से दिस स्क्रीन इज कवर्ड विद अ प्लास्टिक लेयर इस स्क्रीन के ऊपर हमें जो है एक प्लास्टिक जो है वो लेयर बनी होती है हम क्या करते हैं कि लेयर के ऊपर अपनी फिंगर को मूव करते हैं तो उसके नीचे जो है लेयर के अंदर जो सेंस सेंसिटिव जो इनफॉर लेयर के अंदर लेयर जो है वो हमारे ए, फिंगर के सेंसिटिव को महसूस करती है और जो है ये कंप्यूटर को कमांड देती है द यूजर इंटर डाटा बाई टचिंग आइकन और मैन्यूज ऑन स्क्रीन यूजर क्या करता है कि वो स्क्रीन के ऊपर आइकन को मुख्तलि तरह के मेन्यू को टच करके जो है ये इसको इस्तेमाल करता है फॉर एग्जाम्पल माउस टच स्क्रीन हमारी जो माउस टच स्क्रीन होती है वो बिल्कुल इसी तरीके से होती है सॉरी मोबाइल टच स्क्रीन यहाँ पर है मोबाइल टच स्क्रीन तो मोबाइल टच स्क्रीन में उस आप देखते हैं कि क्या करते हैं मुख्तलिफ तरह के आइकन को जो है वो सेलेक्ट करते हैं और इस तरीके से हम इनपुट इंटर करते हैं उसके बाद रहते हैं पॉइंटिंग स्टिक और पॉइंटिंग डिवाइस डेट लुक्स लाइक का पेंसिल अरेजर बिटवीन द जी एच एंड बी कीज ये आमतौर पर जी एच और बी कीज के दरमियान ये जो है लैपटॉप में लगी होती है ये एक जो है वो पॉइंटिंग स्टिक होती है इट इज मूव विद फिंगर हम इसको हमारी जो फोर फिंगर होती है जिसको हम शहादत की उंगली कहते हैं इससे हम इसको मूव करते हैं इसके साथ मुख्तलि लगी हुई उनको प्रेस करने के लिए इस्तेमाल होता है लोकेटेड इन लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द स्पेस बार यहाँ पे देखो अब स्पेस बार है तो इसके सामने जो है ये एक कीज लगी होती है ये कीज जो है ये थंब की मदद से प्रेस होती हैं और हमारी फोर फिंगर जो है वो इस जो रेड कलर का पॉइंट है जिसको पॉइंटिंग स्टिक कहते हैं इसके ऊपर होती है दी पॉइंटर ऑन द स्क्रीन मूव्स विद द यूजर पुश द पॉइंटिंग स्टिक जैसे यूजर जो है वो अपने फोर फिंगर के साथ इस पॉइंटिंग स्टिक के ऊपर प्रेशर डालता है तो इसके प्रेशर की डायरेक्शन से जो है ये क्या होते हैं स्क्रीन के ऊपर जो कर्सर होता है वो कंट्रोल होता है here is a graphic tablet a graphics tablet also known as a digitalizer डिजिटल ग्राफिक टैबलेट पेन टैबलेट ड्राॅइंग टैबलेट और अ डिजिटल आर्ट बोर्ड ये सभी इसके नाम हैं इन सभी को ग्राफिक टैबलेट भी कहते हैं और हम इनको डिजिटलाइजर भी कह सकते हैं डिजिटल ग्राफिक टैबलेट भी कह सकते हैं पेन टैबलेट भी कह सकते हैं ड्राइंग टैबलेट भी कह सकते हैं और डिजिटल आर्ट बोर्ड भी कह सकते हैं इज अ कंप्यूटर इनपुट डिवाइस ये सारी जो है ये क्या होती हैं कंप्यूटर इनपुट डिवाइस होती हैं डेट इनएबल द यूज टू हैंड ड्रॉ हैंड ड्रॉ इमेज एनिमेशन एंड ग्राफिक्स विद द स्पेशल पेन लाइका स्टाइलस ये कैसे काम करता है कि ये हैंड जिस तरीके से हम हाथ से कोई चीज ड्रा करते हैं इस तरीके से ये इमेज को एनिमेशन को या किसी किस्म के ग्राफिक्स को जो है वो ड्रा करता है कैसे विद अ स्पेशल पेन अ स्टाइलस इसके साथ एक खास तरह का पेन हमें मिलता है जिसको जो है वो स्टाइलस कह देते हैं सिमिलर टू वे जैसे हम, के के पे हम पेपर के ऊपर अपनी पेंसिल को मूव कर करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से ग्राफिक टैबलेट के ऊपर भी जो है ये ऐसे ही काम होता है नेक्स्ट आ जाते हैं जोस्टिक इन अ कंप्यूटर अजोस्टिक इज अर्सल कंट्रोल डिवाइस कंप्यूटर के अंदर कर्सल कंट्रोल एक कर्सल को कंट्रोल करने के लिए एक और डिवाइस इस्तेमाल होती है जिसको जॉयस्टिक भी कहते हैं लेकिन ये ज़्यादातर कंप्यूटर गेम्स में इस्तेमाल होती है और इससे इसी तरह की जो है असेसिट अटिव टेक्नोलॉजी में ये इस्तेमाल होती है दी जॉयस्टिक विच गॉट इट्स नेम फ्रॉम द कंट्रोल स्टिक के जॉयस्टिक को जो है हम कंट्रोल स्टिक भी कहते हैं यूज बाय अ पायलट टू कंट्रोल एरोप्लेन जिस बिल्कुल इसी तरीके की जो है ये पायलट जो है पायलट इस्तेमाल करते हैं जो एयरप्लेन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं आजकल कर हम इसको हमारी गेम्स के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर कर रहे हैं और इसकी लेटेस्ट फॉर्म जो है जैसे ये हमारे पास राइट साइड right पे है इस तरह की आ रही हैं तो स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर तक अपना क्या रखिएगा अलाफेज